हेलो एवरीवन, तो आ चुके हम लोग एक नई वीडियो के साथ में। पिछली वाली वीडियो को आपने अच्छा रिस्पांस दिया था, उसके अंदर हमने बात किया था ऑल ओवर कट ऑफ ऑफ 2024 नीट का। और इस वाले में हम स्टेट वाइज कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे कि स्टेट वाइज कट ऑफ क्या जाने वाला है हर स्टेट का। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं, जो काउंसलिंग होगी वो तुम्हारी दो भाग में होगी। एक होगा ऑल इंडिया कोटा से हो सकती है, और या तो स्टेट कोटा से। तो जो मान लो हमारे पास 100 सीटें हैं, 100 में से जो 15% सीट होगी वो ऑल इंडिया कोटा से भरी जाएगी, और जो 85% सीट है वो स्टेट कोटा से भरी जाएगी। मतलब जो 15% सीट है वो ऑल ओवर इंडिया में से कोई भी बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है, और जो 85% जो 85 सीट्स बच रही हैं उसमें खाली स्टेट के बच्चों को एडमिशन मिलेगा। तो आ जाओ हमारे स्क्रीन पर, आ जाओ देखते हैं। तो मैंने बताया काउंसलिंग जो दो पार्ट में डिवाइड होगी, 15% और 85%। 15% जो होगी ऑल इंडिया कोटा से होगी, और 85% जो होगी स्टेट कोटा से होगी। तो हम लोग ऑल इंडिया कोटा से जो एडमिशन होने वाले उसका स्टेट वाइज कट ऑफ जान लेते हैं क्या होगा। तो ऑल इंडिया स्टेट वाइज कट ऑफ 15% स्टेट सीट जो भरी जाएगी। तो यहाँ पे देखो स्टेट्स के नाम लिखे गए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी OBC SC और ST क्लास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेट के नाम लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। जैसे छत्तीसगढ़ में जो अनरिजर्व्ड का जो कट ऑफ जा सकता है वो जाता है 118 तक जा सकता है। OBC में जा सकता है 615 तक, SC में जा सकता है 525 तक, और ST में जा सकता है 505 तक। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कट ऑफ होगा अनरिजर्व के लिए ज़्यादा होगा, ऑफकोर्स ज़्यादा होगा अनरिजर्व के लिए। उसके बाद हम देखते हैं गुजरात में अनरिजर्व के लिए कितना है, 634 है, और OBC के लिए 628, SC के लिए 554, ST के लिए 522। वैसे ही हमने झारखंड का लिखा है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का देख लो, महाराष्ट्र का जो है 617 अनरिजर्व, 614 OBC। जो अनरिजर्व होता है और जो OBC होता है उन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। बस जो भी होगा 5-10 मार्क का फ़र्क होगा और ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये जो कट ऑफ जो निकाला गया है वो पिछले साल के डेटा के हिसाब से निकाला गया है। जो पिछले साल का जो कट ऑफ था उससे ज़्यादा ही कट ऑफ होगा, तो उससे ज़्यादा कट ऑफ हमने मानकर चले, ठीक है। ये है ऑल इंडिया कोटा 15%, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा से जो एडमिशन लेगा वो 15% जो सीट भरी जाएगी उसके हिसाब से। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बिहार का, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, MP का, राजस्थान का, आसाम का बहुत कम जाता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। वहाँ पे तो डिपेंड करेगा कि क्या है, ठीक है। तो आसाम का मैंने लिखा नहीं क्योंकि बहुत कम जाता है वहाँ का कट ऑफ। केरला हो गया, केरला का देखो 630 जा रहा है। तो वैसे आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और अपने हिसाब से अपने स्टेट का दे सकते हो। अगर कौन जो आप कमेंट में बता सकते हो आप कहाँ से हो, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि क्या जा सकता है कट ऑफ। फिर आ जाओ नीचे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग स्टेट वाइज कट ऑफ जानेंगे 85% कोटा के हिसाब से, ठीक है। 85% कोटा के हिसाब से जो स्टेट का जो कट ऑफ जाएगा वो क्या जाएगा वो ज़्यादा चेक करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो स्टेट काउंसलिंग के हिसाब से स्टेट कोटा से अगर एडमिशन लोगे आप, तो जो तुम्हारा कट ऑफ जा सकता है वो ज़्यादा 560 से लेके 580 के बीच में जाएगा। गुजरात में अगर देखोगे 570 से 585 के बीच में जाएगा। ओडिशा की बात करूँ मैं 590 टू 600 के बीच में जाएगा। झारखंड की बात करूँ मैं 595 से 605 तक जाएगा। वेस्ट बंगाल में 560 टू 580 जाएगा। महाराष्ट्र में 590 टू 605 जाएगा। वैसे हम बिहार की बात करें तो 610 से लेके 620 के बीच में जाएगा। राजस्थान में बात करें 615 से लेके 625 के बीच में जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे OBC का लिखा गया है, SC का लिखा गया है, ST का लिखा गया। तो अपने अपने कास्ट के हिसाब से, अपने अपने जो तुम्हारा रिजर्वेशन है उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो कट ऑफ जाने वाला है आप यहाँ पे सेफ साइड में हो कि नहीं हो, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में, और अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप कहाँ से हो, ठीक है, तो मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँगा। वहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए आपका कितना मार्क्स आ रहा है, आप कहाँ से हो। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपका जो मार्क्स आ रहा है इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो कट ऑफ है वो 2022 के डेटा के हिसाब से निकाला गया है। मतलब 22 में जो कट ऑफ गया था उससे जो थोड़ा ज़्यादा ही कट ऑफ जाने वाला है इस बार, हमको पता है, क्योंकि पेपर डिफ़िकल्टी लेवल जो बहुत ईजी था और बच्चे भी ज़्यादा अपीयर कर रहे हैं इस बार, और सीट भी बढ़ी है तो वो कंपेंसेट हो गया वहाँ पर, ठीक है। तो जो कट ऑफ जाएगा वो थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा, तो उसके हिसाब से ये डेटा निकाला गया है।
तो आप लोग ने देखा होगा कट ऑफ, सारे स्टेट वाइज कट ऑफ जो मैंने आपको लिस्ट दिए गए है, तो उसमें से आप अपना स्टेट का, आप जहाँ जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट का आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो अपने पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।